हीच चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल। अर्थ फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। तो अब रोजा कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम मिथिकपुर से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं कि भाई क्या क्या हम इस टाइम पे निकाल सकते हैं, या फिर सस्ते हम कैसे निकाल सकते हैं आइटम्स, ठीक है। आज सुबह जो है ना हमारा न्यू मिथिकपुर इस टाइम पे रिफ्रेश हो चुका है, तो उससे रिलेटेड बातचीत कर लेते हैं। और थोड़े बहुत अपग्रेडेबल भी मैं निकालूंगा, और फिर उसके बाद ग्रोथ पैक से रिलेटेड भी हम बातचीत करेंगे कि उसके अंदर हमें और क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका भी मतलब लीक्स के थ्रू जो हमें इस टाइम पे देखने को मिले वो सारे के सारे चीज़ें इधर चेकआउट करेंगे। तो अब सुबह सुबह ये चीज़ रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो अब मैं आता हूँ इधर से। एक मुझे देखने को मिल गया 12 आइज पे। वैसे ये चीज़ जो है ना ये मैं डेली खोलता हूँ, इधर अगर लक अच्छा था तो फिर 10 तक भी मिल सकते, वैसे मिलते हैं नहीं कुछ ज़्यादा ही भाई रेयर रही वाले आइटम, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बातचीत करें भाई ग्रोथ पे, मेन चीज़ हमारा जो ग्रोथ फेक है ना वो फिर से रिफ्रेश होने वाला है बिल्कुल प्रूफ के साथ। जो चीज़ें हैं ना वो मैं इधर दिखाता हूँ। आगे जो है ना फिर पबजी वालों की भाई सस्ते नशे है, अगर वो वाला सीन हो जाए ना तो फिर उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम बातचीत करें भाई इधर ग्रोथ पेक से रिलेटेड, इसके अंदर कुल मिलाकर हमें 79 जो मिनी मिथिक एम्बलम होते हैं मिथिक पोर्च के, ये जो ना ये इधर हमें देखने को मिलते हैं, और कुल मिलाकर 300 UC मिलते हैं, मतलब 300 UC के प्राइस पे, ठीक है। जो हमें 300 UC कितने पे देखने को मिलते हैं PKR पे, उतना ही पे जो है ना हम इधर से ये वाले आइटम भी एक्स्ट्रा उठा सकते, ठीक। वैसा ही मटेरियल वाला भी हो गया और रिजी करेंसी वाला भी हो गया, तो ये चीज़ जो है ना ये फिर से अगेन रिफ्रेश होने वाला है, तो इसको जो है ना हम आगे चेकआउट करेंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं इधर, इधर की अगर बात की जाए डेली 5 UC वीकली, ये जो है ना ये वीकली हमें देखने को मिलता है 5 UC पे। और साइड पे अगर हम बातचीत करें ना आइटम्स की, वही आइटम्स आए हैं जो मैंने लीक्स में दिखाए थे, मतलब जो जो आइटम्स हमने देखे थे वही आइटम्स सारे के सारे हमें इस टाइम पे देखने को मिल चुके हैं। और फिर उसके बाद अपग्रेडेबल की अगर बात की जाए, ये हमारा तुक्के वाला आइटम है, ठीक है, एक ये आया है, और कुल मिलाकर ये दो जो हमने लीक्स में देखे थे वही है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों हमें चार चार जो मिथिक एम्बलम है ना उन पे देखने को मिल जाती है। तो अब अगर किसी बंदे के पास चार पड़े हैं ना तो भाई ये वाला M7 एक नंबर चीज़ है, लाजमी से उठा लेना। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा है, तो फिर उसके बाद ये वाले सीट वगैरह हो गए। तो अब सबसे पहले मैं अपग्रेडेबल निकालता हूँ इस टाइम पे, तो अब जितने भी अपग्रेडेबल है हम वही निकालेंगे जितने भी मतलब हम कोशिश कर सकते हैं। और वीकली अगर कोई बंदा इधर से निकालना चाहता है ना तो वीकली भी कुल मिलाकर 800 UC पे दो मिथिक एम्बलम लाजमी उसको कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। और इसके प्राइस के अगर मतलब जो प्राइस पूल होते हैं इसके मतलब जो एक्स्ट्रा रिवार्ड हमें देखने को मिलता है स्पिन के टाइम पे, वो जो है ना एक ये वाला स्किन है और एक जो है ना प्लेन फिनिश हमें देखने को मिलता है। और इधर से भी कभी कभी जो है ना कोई डंक का चीज़ डायरेक्टली भी निकल आता है। मेरा एक मिथिक निकला है जब से ये वाला मिथिक पोर्ट स्टार्ट हुआ है, तो मे भी हो सकता है आप लोगों के कुछ ज़्यादा ही आइटम निकले हो। और इधर से जो है ना एक मिनी हमें देखने को मिल गया मिथिक एम्बलम, ठीक है, मिनी एम्बलम देखने को मिल गया। और फिर उसके बाद स्किप करके खोलते क्योंकि स्किप पे जो है ना मेरा लक भी सही होता है, और इधर से ये वाले भी हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वीकली जो हमें देखने को मिलते हैं एक जो है ना इधर से होता है जो हमारा लक कंप्लीट होता है कुल मिलाकर 800 UC पे। और साइड से जो है ना अगर हम 25 क्रेट खोलते हैं वीकली, तो उधर से भी एक और जो मिथिक एम्बलम है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है ना भाई एक हिसाब से बढ़िया है अगर कोई बंदा मतलब टाइम के साथ साथ निकालना चाहता है उन बंदों के लिए, सही है। जैसा कि मैं निकालता हूँ भाई वो सीज़न के अंदर जो है ना कुल मिलाकर 4 या फिर 5 तक अपग्रेडेबल में एकदम इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इधर से ये वाला अलग भी कंप्लीट हो गया, इधर से भी हमें देखने को मिल गया एक और। और इसके अगर बात की जाए इधर से भी हम निकाल लेते हैं, तीन वो हो गए और एक जो है ना क्लासिक का क्रेट, और एक जो है ना और मिथिक एम्बलम हो गए, ठीक है। तो अब इधर की अगर बात की जाए कुल मिलाकर इस टाइम पे 18 मेरे पास पड़े, और 11 जो है ना जो मिनी मिथिक एम्बलम होते, सॉरी 11 नहीं 31 तो वो भी मेरे पास पड़े, तो 19 पे कुल मिलाकर 4 तक या फिर 3 तक मैं उठा सकता हूँ अपग्रेडेबल गन्स। अब अगर आप लोगों को मिथिक्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर वो निकालो। और इस टाइम पे जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपग्रेडेबल निकाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं भाई अपने अपग्रेडेबल में इजाफा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें निकाल रहा हूँ, मतलब अपग्रेडेबल वगैरह में इस टाइम पे निकाल रहा हूँ। तो अब आते हैं इधर फिर से अगेन मिथिक पोर्च में, तो इधर से देख लेते हैं कि कितने आइटम्स हम निकाल सकते हैं। वैसे इनमें से एक जो ना ये पिस्टल का स्किन अपग्रेडेबल मेरे पास नहीं पड़ा, और जितने भी है सारे के सारे ऑलरेडी मेरे पास पड़े अपग्रेडेबल, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिसको भी मैं निकालूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मैं इनको अपग्रेड नहीं कर रहा, इसे जो है ना बढ़िया बढ़िया वाले अपग्रेडेबल मेरे पास पड़े। M4 की अगर बात की जाए एक ये वाला हो गया जो न्यू आया था, और इसका भी अपग्रेडेबल मेरे पास पड़ा, ये फिर कभी निकालेंगे। और इन तीनों को निकालते हैं इधर से, कोशिश करते हैं कि कितने बन जाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा अपग्रेडेबल, ओके। और फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें तीसरे की, ये हो गया हमारा तीसरा अपग्रेडेबल जो हमें देखने को मिल गया, ओके।
और फिर उसके बाद चौथी की अगर बात की जाए, यह हो गया हमारा चौथा। तो इस टाइम पे कुल मिलाकर 3 अपग्रेडेबल रहते और 3 जो है ना मेरे पास मिथिक एम्बलम रहते, सॉरी 4 अपग्रेडेबल, एक हम इधर से निकालते, अभी जो ना 3 रह गए। तो अब ये पिस्टल का स्किन जो था ये मेरे पास कोई अपग्रेडेबल नहीं था, तो ये भी मेरा इस टाइम पे निकल चुका है। तो अभी वाली आइटम में सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद लीक्स के साइड पे जाते, जो हमारा न्यू ग्रोथ पैक होता है वो कब हमें देखने को मिल सकता है या फिर उसके अंदर और क्या क्या सीन होने वाला है। इधर की अगर बात की जाए, मेरे पास ऑलरेडी ये वाला M24 है जो एक नंबर चीज़ है, तो अब ये 2 और आ गए एक्स्ट्रा, चलो कहीं नहीं भाई चलता है। और फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें ना इधर, ये तो भाई वो टाइम लिमिटेड सस्ती आइटम है, ओके इग्नोर। और फिर उसके बाद DMR की अगर बात की जाए, फिर से एक जो है ना ये वाली मिनी पोर्टिन है, ये प्रीमियम वाली मेरे पास पड़ी, इसको मैंने किल मैसेज तक भी वाई किया था उसी टाइम पे। फिर उसके बाद इसके इसके अगर बात की जाए, ये भी प्रीमियम वाला मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये पिस्टल का नहीं था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हमें देखने को मिल चुका है। अगर फिर कभी हम ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा मिक्स इजीली। कुल मिलाकर Porcinine इस टाइप पे हो चुके अपग्रेडेबल, ठीक है। तो भाई इधर जो है ना लीक्स के अंदर अगर हम देखें भाई न्यू ग्रोथ पैक को, ये जो है ना PUBG Mobile की तरफ से ये वाला ऑफिशियल चीज़ है, ये बिल्कुल चेंज वगैरह नहीं होता है। तो अब इसका डेट क्या, इसकी डेट की अगर बात की जाए, जिस बंदे का हो जाए भाई अपडेट उसी टाइम पे उसको ग्रोथ पैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। उससे पहले भी देखने को मिलता है सम टाइम पे, मतलब अक्सर टाइम पे जो है ना उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है जो हमारा अपडेट हो जाए। तो मे भी हो सकता है कि आज हमें देखने को मिल जाए, अगर आज नहीं मिला तो फिर कल जो है ना कन्फर्म है। तो इसके अगर बात की जाए ना, कुल मिलाकर 9 मटेरियल हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसका डिज़ाइन इन्होंने चेंज किया। पिछली बार ये रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो इस बार जो है ना ये कन्फर्म रिफ्रेश होने वाला है। और इसके अगर बात की जाए, ये कुल मिलाकर 0 यूसीप है भाई, ये जो है ना ये नेक्स्ट लेवल चीज़ इन्होंने डाला। ये जो है ना ये इस टाइम पे समझ से बाहर है, क्योंकि लीक्स है तो अब जैसे ये ग्लोबली लॉन्च हो जाए ना फिर उसी टाइम पे पता चलेगा। और अब मिनी मिथिक एम्बलम जो हमें देखने को मिलते हैं ना, इनके अगर बात की जाए कुल मिलाकर 79 हमें देखने को मिलते हैं, वही 300 यूसी के साथ। तो अब इंशाल्लाह कल इसको हम परचेस भी करेंगे, अगर ग्लोबली ये आ जाए ना कल तो इंशाल्लाह पक्का आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इसको परचेस भी करेंगे और इससे रिलेटेड फिर बातचीत भी करेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं या फिर क्या क्या सीन होगा। फिर उसके बाद परचेस रिवार्ड जो है ना, ये हमारे परचेस रिवार्ड हो गए और 60 यूसी का वाचर भी हमें इधर देखने को मिल चुका है इसके अंदर। इस बार जो है ना इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो 60 यूसी वाचर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुकी है कि क्या हमने करना है, वो 60 यूसी पे जो हमें रॉयल पास देखने को मिलता है उसकी कहानी भी हो चुकी है क्लियर। तो ये भाई साहब हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, और ये कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि आज वाली मिथिक पोर्च के अंदर से आप लोगों ने क्या क्या निकाला है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये लाजमी से बता देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और पिंक कमेंट में देखने को मिल जाएगा लिंक व्हाट्सअप चैनल का, ये चीज़ लाजमी से ज्वाइन आप लोग कर सकते हो लीक्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो है ना उधर लीक्स आते, उधर जो है ना मैं अक्सर बंदों के साथ शेयर कर लेता हूँ, उधर अक्सर बंदी देख भी लेते, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।